गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज है हमारा संपूर्ण भारत यात्रा का डे 35 और हम जा रहे हैं भीमाशंकर। कल जाके आए थे, जो पहाड़ी ट्रैक है वहाँ पे, यहाँ से 20 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन वहाँ पे रहने की जगह नहीं थी तो वापस आ गए। और ये घर दिख रहा है, इसमें रुके थे भाई। भाई हमें वापस से छोड़ने आ रहे हैं वहाँ पर। वहाँ सीधा पहुँचते हैं और आपको सीधा पहाड़ी ट्रैक दिखाते हैं। देखते रहो, तब तक सब्सक्राइब करो और भी देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर चाय पीने रुके हैं, बढ़िया सी चाय आ गई और एकदम पीते हैं। तो भाई पहुँचे हम लोग भीमाशंकर के पिछली साइड में, इधर यहाँ से ऊपर जाएंगे, वो पहाड़ दिख रहा है वहाँ पे। चलो ट्रैकिंग करते हैं बढ़िया सी और मिलते हैं आपको बीच बीच में। बनाओ। तो भाई मैं अभी पहुँचा हूँ इधर पहाड़ पे, और कल इधर हम आए थे, भाई हमें छोड़ने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर रहने की कुछ व्यवस्था वगैरह थी नहीं, तो भाई वापस ले गए अपने घर। वहाँ जाके रात को खाना खाया, रात को रहें, सुबह वापस छोड़ने आए और अभी यहाँ पे ट्रैक करने वाले हैं। मतलब मैं अकेला ही ट्रैक करने वाला हूँ, भाई अपनी जॉब पे जाएंगे। बाकी धन्यवाद, ऐसे लोग मिलते रहो, सपोर्ट करते रहो, आपका भाई जल्दी यात्रा ख़त्म करेगा। जय हिंद। आज 35 दिनों में मैं अकेला हूँ कि जंगल में ट्रैवल कर रहा हूँ, और इधर लोग भी बहुत कम आते हैं, बहुत मतलब बहुत कम आते हैं। ये पहाड़ी इलाका है ना, जानवर वाला, इसीलिए। लेकिन हम तो जाएंगे भाई, ये 100 किलोमीटर ज़्यादा आकर मैं इधर आया हूँ ना, 100 किलोमीटर ज़्यादा, वरना मैं पुणे से जा सकता था, पास में ही था उधर। लेकिन थोड़ा अलग ना करे, कुछ मज़ेदार ना करे, तब तक मज़ा नहीं आता। चलो अभी चलते हैं, रास्ता देखो। तो भाई अभी रास्ता इधर से पड़ता है, यहाँ पर दिख रहा है जंगल। हम स्टार्ट कर दिया है पहाड़ पे ट्रैकिंग चलने के लिए, और कोई है नहीं आज हमारे साथ। हम बैग बोर्ड और राष्ट्रध्वज और पानी भी नहीं है मेरे पास, पूरा ख़त्म है। मतलब भरना ही मैंने भूल गया था, इधर सोचा आके गांव में आके भरूंगा, लेकिन इधर पानी मिला ही नहीं, और बिना पानी को चढ़ रहा हूँ मैं। चलो आगे मिल जाएगा कुछ ना कुछ। अभी कितना चढ़े वो तो हमको पता नहीं है, लेकिन चढ़े बहुत है। ये इलाका देखो और ये पहाड़ देखो, पूरा जंगल है और पानी नहीं है हमारे पास। देखो इतना सा बड़ा है सिर्फ। बहुत बहुत थकान लग रही है, बहुत थकान, लेकिन मज़ा आ रहा है। आप सब्सक्राइब करके रखो, इससे अच्छे अच्छे व्लॉग, व्यू, महादेव जी के दर्शन हम आपको करवाएंगे, सब्सक्राइब करके रखो। इधर को भाई गणपति बप्पा जी का मंदिर है, देखो ओम गणपताय नमः। बोलो का है 3-3.5 घंटे और चढ़ने, साथ रहना हमारे साथ, कुछ होने मत देना, बाकी चढ़ के तो हम रहेंगे। चलो भाई ये देखो ना, कैसे जाना है हमको ऊपर, कैसे जाना है। तो भाई अभी हमको पानी दिया है भाई लोगों ने, ये नीचे जा रहे हैं मुंबई से सब, और वो लोग आ रहे हैं ऊपर। हम बैठे हैं यहाँ पर यहाँ से, और यहाँ से अभी जाने वाले हैं ऊपर। यहाँ से मैक्सिमम 3-4 घंटा गिन के जाएंगे, इन लोगों ने बताया, और वहाँ से उस पार से बाय रोड निकल जाएंगे। यहाँ पर आके भी यहाँ शाम को पहुँचूँगा, रहने को जगह नहीं है, उस पार मिल जाएगी रहने के लिए। चलो फिर। तो भाई हमको चढ़ते हुए 1.5 घंटा हो गया है, और नीचे का व्यू देखो पहाड़। अभी यहाँ से जाएंगे, वो भाई लोग जा रहे हैं, वो थोड़ा स्पीड से जा रहे हैं, उनके पास सामान कम है, 15-20 किलो बैग है मेरा, थकान तो बहुत लगती रही। और भाई लोगों ने पानी दिया था हमको, देखो मेरी बोतल यहाँ से टूट गई है गिरने की वजह से, लेकिन पानी दिया बढ़िया रहा, थोड़ा सहारा मिलेगा। चलो पी के निकलते हैं। भाई कहाँ पहुँचा देखो, अभी मैं कितना ऊपर आया, और उधर उससे भी आगे जाना है अभी, तो इधर थोड़ा छाया रास्ता है,
तो बैठते हैं थोड़ी देर। चलो भाई, ये कुत्ते मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं कब से। क्या चाहिए रे आपको? क्या चाहिए मेरे को? चढ़ने दो यार, परेशान क्या करते हो? सावधान है तो आगे चलो। क्या चाहिए आपको? कुछ चाहिए क्या? हेलो, क्या चाहिए बेटा तेरे को? क्या चाहिए? चलो जाओ 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 जाओ। रोटी बोटी नहीं मेरे पास, वरना डालता आपको, देता भी अच्छे से। खाने के लिए कुछ पैकेट वगैरह वो तुम खाओगे नहीं, मैं बर्बाद क्यों करूँ। चलो भाई, यहाँ से जाने का रे, इधर कहीं बोर्ड था भीमाशंकर का ये रहा, और यहाँ से इधर तक जाते हैं और मिलते हैं आगे आपको। ये कुत्ते कब से मेरे पीछे आ रहे हैं? ये देखो, दोनों दोनों अपनी सुरक्षा कर रहे हैं हमारी, बहुत टाइम से पीछे आ रहे हैं। मेरी नज़र अभी गई इसलिए मैंने देखा, दिखा दूँ आपको, क्योंकि मैं इसे आगे चलते हुए देख के चल रहा था ना, तो मैंने पीछे देखा ही नहीं, कुत्ते आ रहे ही नहीं। वहाँ बैठा था ना, वहाँ पर ही सोचा वापिस चले गए होंगे, वहाँ पर बैठे थे इसीलिए, कि नहीं तो पीछे आ रहे हैं। काट मत लेना बाकी, आओ पीछे, आपको ऊपर महादेव के मंदिर तक लेके जाऊँगा मैं, आओ पीछे। चलो चलो, बहुत पीछे थोड़ा भी, काट मत लेना बस, वरना दिक्कत हो जाएगी मेरे को। दोनों मेरे शेर अभी पीछे थे, आगे हो गए, बढ़िया एकदम मेरे साथ साथ चल रहे हैं। चलो भाई लोग, चलो 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 चलो। ये देखो आगे का सिस्टम, ये देख रहा है पीछे का, ये कोई आना नहीं चाहिए अपने पास जंगली जानवर या कुछ भी। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा। चलो तो भाई भी ऐसी जगह पर हूँ, और उधर देखो वो गांव शायद दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, डोंट नो। वो घर वगैरह दिख रहे हैं ना आपको? वहाँ से मैं आ रहा हूँ, इधर से ऐसा लगता है कि यार आधे घंटे में जो तो आ जाएंगे, लेकिन ये पहाड़ से उस पार, उस पहाड़ से इस पार, अभी ये पूरा पहाड़ है ना ऊपर तक दिख रहा है, वो हमको इसे गोल 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 करके ख़त्म करके उसके पार जाना है, पहाड़ के उस पार। वहाँ पे मंदिर है महादेव जी का, हमारा होगा 5वां ज्योतिर्लिंग, हाँ भीमाशंकर महादेव, बहुत पहुँचते हैं वहाँ पर, और अपना शेर और दूसरा शेर। चलो चलो चलो। तो भाई कुछ लोग बीच में मिले थे, तो हमारे कुत्ते उनकी वजह से कहीं घूम गए पीछे आसपास, और बाकी जंगल देखो एकदम बढ़िया लग रहा है। और निकलने में हमें यहाँ पर ऐसे मिले, लोग मिले ऐसा नहीं, नहीं निकलते, लेकिन बहुत कम लोग हैं, तो पहाड़ी इलाका बहुत ज़्यादा है तो बहुत कम लोग हैं। और पहाड़ों में से ऐसा रास्ता है, हम जा रहे हैं, मिलते हैं आगे आपको। और हमारे कुत्ते यार, उनके बिना मज़ा नहीं आ रहा है अभी, मेरे को डर लग रहा है। चाहिए यार वापस, चाहिए, वेट वेट, वापस लाता मैं। डॉग प्यारे डॉग है टाइगर। तो अभी यहाँ पर थोड़ी देर आराम करने के लिए रुके, ये बैठने की जगह, वो कुत्ते हमारे पार्टी बदल दी उन लोगों ने, कुछ लोग और मिले तो उनके साथ बह गए हमको छोड़ के। और इधर थोड़ा बैठने लायक थोड़ा है तो बैठे आराम कर रहे हैं, इसके बाद निकलते हैं वापस। बहुत ऊपर आ चुके हैं हम लोग, और गर्मी ज़्यादा हो रही है एकदम पसीना। यहाँ से व्यू देखिए आप लोग, अभी ऊपर जाना है हमको, और सभी भाई लोग इधर मिले हैं हमको। हाय, चलो थोड़ी देर इनके साथ चलते हैं, फिर निकलते हैं अपने रास्ते पे। आई है ना ये रास्ता देखो, इधर से नीचे से पूरा ऐसे 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 करके रास्ता, ऐसे ऐसे थक गया मैं पूरा, और नीचे से कुछ दिख नहीं रहा। देखो पूरी सांस फूल गई है, पसीना पसीना हो गया, लेकिन मज़ा आ रहा है। अभी 1 बजा है, सुबह कितने बजे आया था वो टाइम नहीं देखा, देखता पहले वीडियो कम बना था, लेकिन अभी 1 बजे, अभी 3 आसपास हो जाएंगे तब वहाँ जाके पहुँचेंगे। चलो फटाफट चलो भाई, बहुत मुश्किल है इधर अभी। और इधर का शरबत है भाई बनाते हैं, तो हम पी रहे हैं,
फिर चलते हैं, अभी 2 घंटे लगेगा ऐसा लोग बोल रहे हैं। अभी मेरे को तो पता नहीं, मैं पहली बार आया, तो देखते हैं पहुंच जाएंगे 4-5 बजे पहले। ब्रो व्यू देखो, व्यू ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत सांस फूल रही है, चलने में फिर दिक्कत होगी। चलो कहीं रुकते हैं, वहां पर दिखाते हैं आपको। भैया थकान उतरी अभी थोड़ी हमारी, और नीचे का व्यू। ऊपर जाएंगे यहाँ से, जो हमें भाई लोग मिले थे हमने बोला था आगे, वो 8 बजे से निकले थे तब यहाँ पर पहुँचे, और मैं 10 बजे निकला था तब भी मैं उनके साथ ही हूँ। अभी वो आगे गए, मैं इधर बैठा, पानी पानी पिया, कुछ नाश्ता किया जो हमारे पास ड्राई फ्रूट थे, और बाकी अभी निकलते फटाफट। हिम्मत तो है मेरे में, 15-20 किलो का बैग लेकर इतना चल रहा हूँ, इतना ऊपर जा रहा हूँ, मतलब महादेव की कृपा है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय दादा। चलो 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 चलो, बहुत जल्द पहुँचेंगे उनके साथ, 2 घंटे पहले। चलो सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करके मारो फटाफट से, और लाइक ठोको, कमेंट मारो अच्छी सी, क्या आपको पहाड़ चढ़ने में, मैं पहाड़ चढ़ रहा हूँ अभी, क्या सीन अच्छा लगा, क्या दिक्कत आती है, सब मैं बताता हूँ। तो कमेंट जरूर करो, उत्साहित करो मेरे को, मैं और कुछ अच्छा काम कर सकूँ। तो भाई साहब धूप के कारण छाता निकाल लिया है, बहुत खतरनाक वाली धूप पड़ती रहा, छाता निकाला अभी तो थोड़ा ठंडक मिल रहा है, और निकलते हैं फटाफट। चलो चलो। तो भाई फाइनली छाया आ चुका है, और जंगल में अंदर एकदम पहाड़ के किनारे किनारे चल रहे थे कि ना भी चल पाएंगे, बहुत ऐसा रास्ता हो ना सीढ़ी के बिना रास्ता तो मैं बहुत चलता, लेकिन सीढ़ियों पे जो वजन होता है ना पैर का, एक पैर रखते हैं तो दूसरे पैर में बैग वगैरह सब का वजन जाता है नीचे, जो पैर होता है फिर वो ऊंचा लेता है, फिर वजन उसकी वजह से बहुत थकान लगती है। लेकिन अभी ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्द पहुँचते हैं, और आपको 35 डे का वीडियो फटाफट पोस्ट करते हैं। इधर नेटवर्क नहीं है, 2 दिन से ब्लॉग नहीं आया हमारा। चलो बहुत देर बाद हम पहुंचने वाले हैं उधर, और नीचे अभी रास्ता ऐसा एकदम ऐसे रास्ते में बहुत चल चल पाऊंगा मैं, और थकान की तो बात ही मत करो, आज फील भी ऐसा हो रहा है ना, पुणे की साइड से गया होता ना तो अच्छा रहता, ऐसा लग रहा है मेरे को। लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे, खुद के मन से आए इधर पहाड़ ट्रैकिंग पे तो जाएंगे जरूर, पूरा करेंगे। चलो फिर। तो भाई फाइनली पहुंच गए हम लोग ऊपर भीमा शंकर के, भी मुँह वो धोया आके, और इधर का व्यू देखो। बाकी मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं, कितना टाइम लगता है हमको, उसके बाद जो सोचते हैं नीचे जाने का या यहीं रात को रुकते हैं, तो बताते हैं आपको। तो भाई पहुंचे हैं मंदिर, और जा रहे हैं हम लोग अभी यहाँ से, कितना आगे है तो वो पता नहीं, लेकिन यही रास्ता है इतना पता है, वहाँ पर पहुँचते हैं और आपको बहुत ही ज्यादा लाइन है रे भाई, बहुत ही ज्यादा लाइन, इतनी लाइन में तो कब दर्शन करेंगे हम लोग, देखते आगे जाते हैं कुछ मिलता है तो हमको, और बाकी पब्लिक को देखो आप लोग, 1 किलोमीटर 500 मीटर 500 मीटर आसपास की होगा लाइन, उस लाइन में खड़े रहे तो शाम के 10-11 बज जाएंगे ऐसा लग रहा है मेरे को। कुछ ब्रेक अपनाते अपने हिसाब से, और भाई अभी मंदिर से थोड़ा ही दूर है हम, इधर खड़े हैं दर्शन के लिए, तो गेट खुलेगा ना अभी तो थोड़ा बहुत से अंदर जाते हो दर्शन करते हैं। भाई इधर भी बहुत ट्रैफिक है, हम लोग थोड़े दूसरे रास्ते से आए थे, वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा, अब देख लो
और नीचे पानी भी है, अभी थोड़ा है बाकी है। दो तीन लाइन थी, तीन लाइन में से हम दो लाइन खत्म करके पहली लाइन करा दी गई, यहाँ से जाएंगे अभी फटाफट मंदिर में दर्शन करवाते हैं आपको। इधर भी बहुत ट्रैफिक है, देखो कहाँ तक ट्रैफिक है, पूरा मंदिर ट्रैफिक ही ट्रैफिक से भरा पड़ा है। ठंडा तो लगेगा, चलो यहाँ से चार बजे दर्शन करके ना नीचे जाकर नहीं रह पाए, और उसके तो भाई अभी मंदिर है यहाँ पे और हमको पूरा घूम के जाने का है पूरा, इतना ज़्यादा दर्शन करवाते, लोग बहुत इधर बैठे हुए हैं भाई, वो रहे महादेव जी के दर्शन हो रहे हैं यहाँ से। हमको अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ये लाइन थोड़ी लंबी है, पहुँचते हैं हम भी। तो भाई फाइनली हमारे ज्योतिर्लिंग पांच कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर भीमा शंकर में, देखो लाइव दर्शन चल रहे हैं यहाँ से अंदर, वीडियो अलाउड जैसा तो हमने लिया नहीं है, हम आपको टीवी माध्यम से और हमारे फोन माध्यम से आपको लाइव दर्शन करवाए। एक बार कमेंट में हर बार महादेव जरूर लिखिए, बहुत टाइम लगा दर्शन करने में, 35 दिन हो गए हमको यहाँ पे आते हुआते, लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा आया। फुल लाइन है, बहुत पब्लिक की, अभी तो बहुत ही लाइन है, हम लोग यहाँ से बाहर जाते हैं। महादेव जी का त्रिशूल देखो, एकदम बढ़िया महादेव जी, गणपति बाप्पा, और इधर भी सभी का एक ही काम है कचरा करना। चलो कहीं जा रहे हो तो कचरा तो मत करो, चलो मंदिर में भी नहीं करते हो, बाकी चलो चलते हैं। भाई परेशान हो गया, दो तीन घंटे लाइन में खड़े रह रहे कर, ये VIP लाइन है, आप देखो VIP लाइन, जो पैसे दे के जाते हैं इनसे भी इतनी लाइन है, बिना पैसों वाली की लाइन उधर को है। चलो ये अपने चंपल वगैरह पहनते और यहाँ से निकलते हैं, इतने क्राउड में तो पूरा दिमाग खराब हो जाए। बड़े तीन बजे इधर आया था, अभी 5 बजे, तो 5 में थोड़ा बाकी है, और ये 9 VIP लाइन। सब लोग जैसे आप उन्होंने को पैसे वैसे नहीं दिए थे, और बहुत देख के मेरे को जाने दिए, वरना VIP में लोग पैसे देते और उसमें भी दो दो घंटा हमको खर्च नहीं होता। सबके मन में यही है ना, जो पूजे में भरते हैं हम लोग तो। इधर बाजार है, कुछ खरीदना बरीदना है तो बढ़िया। इतना पनिश पसीना पसीना हो गया रे, अभी मैगी खाने आए हैं, भगवान करे यार महादेव अच्छी बने, जल्दी खाने का मूड है बहुत खराब, बनी मूड मर जाएगा। थोड़ी देर में आती तब तक हमारा सामान पड़ा है बाकी में। तो भाई मैगी आ गई हमारी बढ़िया सी, देखो एक बार टेस्ट कर लेते हैं कैसी है। तो भाई बढ़िया सा नाश्ता वगैरह हो गया है और दर्शन हो गए, हम चलते हैं यहाँ से सीधा नीचे, पूरी तबीयत टाइट हो गई है, चले चले पूरी नीचे वाला भाग जो राग घास घसा दी ना, वो मेरा पूरा हो गया लाल, अभी बहुत हालत खराब हो गई है। तो भाई चलो
रोड पे पाए आ चुके हैं अभी हम लोग, और पीछे गाड़ियाँ वगैरह तो बहुत पड़ी है, सब लोग दर्शन के लिए आ गए। लेकिन आज हम गलत टाइम पे दर्शन के लिए यहाँ पे आए थे, क्योंकि संडे था तो बहुत लोग आए थे। अगर कल मैं आया तब आ गया होता ना, लेकिन कल मेरे को अभी 5 घंटे लगे, तो मेरे को 7 बजे से पूरा 1 बजता, और रात का समय ना मेरे को पानी मिलता कुछ ना मिलता, तो ट्रैफिक ही सही। लेकिन दर्शन तो हो गए अभी हमारे, अभी नीचे जाते हैं रहने के लिए यहाँ ऊपर। अभी तो भाई अभी एक जगह पर पहुंचे और यहाँ पर खाना खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से वेज होटल मिलती थी लेकिन 1 किलोमीटर दूर था, 1 किलोमीटर जाता मैं वापस आता, पूरी हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन भाई लोगों ने अभी मेरे को यहाँ पर रहने की भी जगह दे दी, सोचा इधर ही नाश्ता वगैरह कर लेता हूँ, चलेगा। बाकी चलो नाश्ता करते हैं, खाते हैं, फिर मिलते हैं।